रोज़ वैली रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं और आज हम आपको दिखाएंगे इसका रेंट वगैरह बताएंगे और रूम्स वगैरह दिखाएंगे। तो अंदर चलते हैं, लेट्स अंदर जाते हैं। तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं, वाईफाई इज़ आल्सो अवेलेबल द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और पासवर्ड भी माशा लिखा है। रूम नंबर मतलब कि तकरीबन यहाँ पर 250 रूम है। तो 114 से लेके 118 रूम यहाँ है। रूम नंबर 180 ये, और ये आप लोग यहाँ से, यहाँ पर मई में रेंट जो है वो 8,000 है एक रूम का, और यहाँ से यहाँ देख लो, और मई में 8,000 है एक रूम, और मई के बाद जून जुलाई में तकरीबन जून में 10,000 एक रूम का रेंट हो जाता है, और 10,000 और 12,000 अगस्त तक, और उसके बाद अगस्त और सितंबर में फिर ये लोग कम होना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद। और ये रूम्स वगैरह लिखे हुए, टाइमिंग होटल वैली नारान, ये हो गया सिस्टम सारा, हदायत ये लिखी हुई है, यू कैन सी। अच्छा ठीक है जी, तो ये हम पढ़ते हैं। 3 बेड है एक रूम में, ये रूम है, यहाँ पर 3 रूम है, 2 डबल एक सिंगल, सोफा टीवी इज़ आल्सो अवेलेबल ऑन देयर, और अलमारी है। अलमारी के बाद ये वॉशरूम, एक रूम मैंने सेकंड फ्लोर पे दिखाया है, अब ऊपर मैं जा रही हूँ थर्ड फ्लोर, और क्योंकि उन लोगों ने ऊपर पसंद किया है कि क्योंकि हमने कहा था ऊपर, और ऊपर में ही होता है कि व्यूज़ वगैरह, व्यू वगैरह होते हैं, तो इसलिए पिक्चर्स वगैरह नीचे से क्या व्यू आएगा। हर चीज़ का अलग पासवर्ड, हर अलग पासवर्ड है हर फ्लोर का। ये थर्ड है 337, मतलब कि तकरीबन 400 तक या 350 तक रूम्स पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और उसके अलावा ऊपर ये सिटिंग एरिया भी है। तकरीबन हम लोग सारी चीज़ें तो अपनी लेकर आए हैं, देख सिटिंग एरिया, यहाँ पर बैठ के खाना वगैरह खाना चाहते हैं। इनका रेस्टोरेंट अलग नीचे पोजीशन में ना है उसका, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ ये हमने इसलिए सिलेक्ट किया ताकि यहाँ पर आराम से अच्छी अच्छी वीडियोज़ अच्छा अच्छा पता चले। वन नाइट स्टे है और बहुत प्यारा व्यू लग रहा है, और ठंड बहुत ज़्यादा होती आ रही है, इवन के फ्रीज़ हो रहे हैं मेरे हाथ बिल्कुल, और पानी के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड के अंदर नहीं रह सकते, 5 सेकंड के बाद तो फ्रीज़ इवन के फ्रीज़ हो जाते हैं आप लोगों के। उसके अलावा अब एक रूम दिखा दिया, देखते हैं डिफरेंट रूम है या और भी है, अगर डिफरेंट रूम है तो फिर हम वो भी दिखाते। तो ये सेकेंड रूम है, तो हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, हमने थोड़ा सा अलग साइड पोजीशन था, हमारे 3 रूम है 1, 2 और 3, और ये चेयर्स वगैरह ये अलग रूम है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये बुक नहीं हुई हुई, तो हमने पहले की बुक की हुई है। तो क्योंकि हम तकरीबन 12-1 लोग हैं, तो इसमें भी ऐसी टीवी लगी हुई है, ये रोज़ वैली की अपनी इनकी घड़ी लगी हुई है, सोफ़ा पड़ा हुआ है, जायनमाज यहाँ पर पड़ी हुई है, और ये साबुन पड़ा हुआ है, 2 साबुन है, टावल पड़ा हुआ है इनका, और जायनमाज है, कप है, फ्लावर है, उसके अलावा साइड टेबल पे भी पड़ा हुआ है, उसके अलावा रिमोट है, और यहाँ पर अगर कॉल करके बुलाना है तो आप बुला सकते हैं, 5 5 5 करेंगे तो ये, और ये है रोज़ वैली का, कि यहाँ पर
क्या क्या होटल और चाइनीज रेस्टोरेंट है। ठीक है, मैं आपको कॉल करूँगी। अच्छा, फादा मैडम आ चुकी हैं और कह रही हैं इसका क्या होता है। तो ये रोज़ वैली की है होटल और चाइनीज़ रेस्टोरेंट, तो आप ऑन कर दें नाइट। थैंक यू। और ये रोज़ वैली के है, इनके मेन्यू वगैरह है, फैमिली स्टार रेस्टोरेंट सर्विस। होटल के जो है 10% और अगर सर्विस रूम में करना है तो 15% आपको अलग पे करना पड़ेगा। और ब्रेकफास्ट में यही चीज़ें मिलती हैं, साथ रेट लिखा हुआ है, सूप वगैरह इन सारी चीज़ों के रेट लिखे हुए हैं। और इसमें चाइनीज़ रेस्टोरेंट चाइनीज़ ये लिखा हुआ है, चिकन ऑलमेंट हॉट एंड सॉस चिकन चाउमीन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑन देयर। और ये चाइनीज़ की थी, ये पाकिस्तान की झंडा लगा हुआ है। हाथ मेरा बहुत ब्लैक आ रहा है बिकॉज लाइट एक ऑन है, कोई फिल्टर शिल्टर लगाना पड़ेगा जी। सलाद और मतलब कि सारा मेन्यू ईच एंड एवरीथिंग रेट के साथ यहाँ पर फाइनल हुआ है। तो अगर आपने कुछ ऑर्डर करना है या कुछ मंगवाना है तो आप इससे देख सकते हैं रेट वगैरह, जो चीज़ आपने पसंद करनी वो कर सकते हैं। और ये आपके यहाँ पर सबके साइड टेबल पे पड़ी हुई होगी तकरीबन, यहाँ से कॉल करके मंगवा सकते हैं। ये मैं दूसरे को, ये अलमारी है। मिरर, ओके, इसमें पिलो वगैरह और रजाक वगैरह चीज़ें पड़ी हैं, साथ वॉशरूम है। सादा वॉशरूम आई मीन, और मतलब तो अभी रात हो गई है, हम लोग रोज़ वैली में ही स्टे किया हमने। और एट दैट टाइम कोई इतने नहीं थे, लेकिन अब माशाल्लाह दो बसेस भी हैं, एक कार भी है, हमारी हाईएस भी खड़ी है यू कैन सी। और रात का व्यू भी काफ़ी अच्छा है, सर्दी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सर्दी है। और इवन के बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हुई हुई है यहाँ पे। और इवन के मैं भी यहाँ बाहर खड़ी हूँ अपने रूम के, ये रूम है, रूम के बाहर खड़ी हूँ और यहाँ बिल्कुल खड़े नहीं होने हो रहा और हाथ फ्रीज हो चुके हैं इवन के। और बहुत मज़ा आ रहा है और ये बहुत प्यारा लग रहा है, कैमरे में इतना मज़े का नहीं लग रहा लेकिन रियल में बहुत प्यारा आ रहा है। और बाकी सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों को बता चुकी हूँ, आप होपली आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आती हैं तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक सब्सक्राइब फॉर मोटिवेट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।